इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इसराइल के 3 शहरों पर रॉकेट अटैक कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 8 बजे राजधानी तेल अवीव, सेरोट, अश्कलोन समेत 7 शहर में रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे हैं। अगले महीने यानी नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लीडर्स की मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में हो सकती है। फिलहाल इसकी प्लानिंग की जा रही है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग करने जा रहा है। इसके लिए फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 भेजने की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक टेस्ट फ्लाइट भेजी जा सकती है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार और खान पान के सामान के रेट तय कर दिए हैं। यानी उम्मीदवार जो खर्च करेगा उसका खर्च इसी रेट से जोड़ा जाएगा। इस बार एक उम्मीदवार के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है, पहले 28 लाख थी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के 43 जिलों से मानसून विदा हो गया है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के 8 जिलों से भी 2 दिन के भीतर विदाई हो जाएगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में तेज ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले गर्मी और गुलाबी ठंड वाला मौसम है। एशियन गेम्स के 74 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 मेडल का आंकड़ा पार कर लिया है। शनिवार को गेम्स के 14वें दिन बैडमिंटन में पुरुषों के डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी ने भारत को 101वां मेडल दिलवाया। पाकिस्तान ने भारतीय पिच पर पहला वर्ल्ड कप मैच जीता है। टीम ने नीदरलैंड को 81 रन के बड़े अंतर से हराया। हैदराबाद के मैदान पर इस मुकाबले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी मुकाबला नीदरलैंड के पक्ष में जाता दिखा तो कभी पाकिस्तान ने पलटवार किया। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.8 करोड़ रुपए की कमाई की है। दूसरी तरफ सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म दोनों की कमाई महज 35 लाख रुपए पर ही है। परिणीति चोपड़ा की पोस्ट वेडिंग सेरेमनी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उनके गृह प्रवेश का है। चड्डा परिवार ने जोरदार तरीके से परिणीति का स्वागत किया है। ससुराल वालों का ये स्टाइल उन्हें काफी पसंद आया जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है।